हेलो गाइस, फिर से आपको मेरे एक नए ब्लॉग में स्वागत है। गांव वाला ब्लॉग है और आज पता है आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, पता है क्या है, ट्रैक्टर आया है। वो चावल का जो खेत था, अभी आलू का होने वाला है बुआई, तो उसके लिए तैयार हो रहा है। तो आपने देखा वो ट्रैक्टर, बड़ा वाला ट्रैक्टर है, इसमें फटाफट हो जाता है काम। और छोटा ट्रैक्टर भी है, अभी छोटा ट्रैक्टर बहुत कम आता है, बट बड़े वाले जो ट्रैक्टर है ना, वो बहुत अच्छे से और फास्ट ज़मीन को है ना, आलू के लिए बहुत अच्छे से तैयार कर देता है। चलिए नज़दीक से देखते हैं और देखते हैं कैसे आलू के लिए ज़मीन को तैयार किया जाता है। चलिए सामने से देखते हैं। तो मैं अभी जा रहा हूँ ज़मीन के पास में और पहुँच भी गया हूँ, और मेरे साथ मेरा छोटा भाई है। चलो पहचान लो गाइस। और अभी ज़मीन में पहुँच गए हैं। तो गाइज, इसका मिट्टी देखिए एकदम आलू की खेती के लिए तैयार है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। पैर डालते ही ना है ना घुस जाता है, एकदम सॉफ्ट हो गया है, एकदम ऐसे, हाँ एकदम सॉफ्ट हो गया है। आपने देख लिया मिट्टी कैसा सॉफ्ट हो गया है, आलू की खेती के लिए तैयार हो गया है। बट ये पहले कैसा था वो भी आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। अभी जो ट्रैक्टर है ये अभी ये वाला ज़मीन को कंप्लीट कर लिया है, करने के बाद अभी दूसरे के लिए तैयार हो रहा है। ये जो मिट्टी है ना, ये बहुत कड़क है और ये वाला नरम है। इसको करने के लिए जो ब्लेड यूज़ किया जाता है, आप देखिए। ये जो ब्लेड है, उस ब्लेड से है ना मिट्टी को इतना नरम किया जा रहा है। अब ये ना करने वाले हैं, तो इसका जो मिट्टी है ना कड़क है। अब देखिए इसमें चावल भी है, क्योंकि पूरा पूरा चावल लेके जा नहीं सकता है, कुछ पड़ा रहता है। और ये जो चावल का झाड़ कटा हुआ है, ये अभी एकदम मिट्टी हो जाएगा। पहले इसको जलाया करता था, बट अभी प्रदूषण को दूषित ना हो इसके लिए डायरेक्ट इसके ऊपर ट्रैक्टर चलाया जाता है, और ट्रैक्टर चला के ना एकदम मिट्टी में तब्दील किया जाता है ये जो चावल का झाड़ है इसको। और ये एकदम आलू के जो खेती है, इसके जो खाड़ है उसमें भी हेल्प कर लेता है। जमीन के पास में ये वाला है ना, छोटा सा तालाब जैसा है, इसको हम लोग डोबा बोलते हैं। और बचपन में है ना, ऐसा डोबा में हम लोग ने बहुत नया है, बहुत मस्ती किया है, तो बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि डोबा का जो पानी है उसका जो लेयर है वो काफ़ी कम होता है, तो ज़्यादा डीप तक जाता नहीं है, क्योंकि तालाब का ज़्यादा होता है। और उधर है ना नदी है,
तो नदी से पानी की सिंचाई होता है, क्योंकि नदी में जो पानी है वो सिंचाई के लिए एक्चुअल में नदी को काफ़ी साल पहले तैयार किया गया था। बट ये जो डोबा है, छोटा तालाब है, इसका पानी उतना यूज़ होता नहीं, क्योंकि इसमें पानी बहुत कम रहता है, वो उतना सफिशेंट नहीं होगा। क्योंकि अगर इसमें से सिंचाई करना चालू कर दिया तो आगे चल के इसका पानी काफ़ी कम हो जाएगा, क्या बोलते हो? हाँ एकदम सही बात है ना? सही बात। तो अभी कितना साल का है? 10। ये अभी 10 साल का है और इसका भी एक YouTube चैनल है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। और नॉर्मल हनीज गेमिंग को, उसमें मैं हर एक गेम का वीडियो डालता हूँ, फ्री फायर, पबजी, हर एक का। तो जाइए जल्दी से सब्सक्राइब करिए और हर एक वीडियो को लाइक करिए। मैं हर रोज मस्त मस्त वीडियो डालता हूँ गाइस। बट अभी तो पबजी है नहीं, तो पबजी कैसा डाल रहा है? पबजी तो डाल नहीं पा रहे, फ्री फायर के वीडियोस डालते हैं। अच्छा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दे दूंगा, आप चैनल को चेक करिएगा और जाके सब्सक्राइब करिएगा। कुछ ही दिनों में आलू की खेती होने वाला है, मैं कोशिश करूंगा आपको वो भी दिखाऊं कि आलू की खेती कैसे किया जाता है। और आलू का प्राइस आपको पता है, अब 30-40 रुपए से भी ज़्यादा हो गए किलो। तो आप आलू तो खाते होंगे, सभी लोग खाते होंगे, बट कैसे उसकी बुवाई होती है, कैसे खेती की जाती है, उसका वीडियो मैं आपको बना के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें आप देखिए, अभी भी है ना, चावल है और ये है ना, देखिए चावल है। ये जो चावल है ये निकाल लेंगे, और निकाल लेने के बाद ज़मीन ऐसा दिखेगा, और ऐसा जब दिखेगा वो ज़मीन बहुत कड़क रहेगा मिट्टी। तो आलू के लिए इस तरह से वैसे ट्रैक्टर से मिट्टी को एकदम नरम किया जाएगा, क्योंकि आलू के लिए मिट्टी है ना एकदम नरम होना ज़रूरी है। उसको ज़्यादा प्रेशर भी नहीं चाहिए होता है और ज़्यादा पानी भी चाहिए होता नहीं है, इसलिए ठंड के मौसम में आलू की बुवाई होती है, और ठंड के मौसम में बारिश कम होता है, और इसके लिए आलू की खेती इस समय में किया जाता है। क्रेन आपने देखा, बंगाली में उसको बॉग बोलते हैं, वो ये जो अभी ट्रैक्टर से मिट्टी को नरम किया जा रहा है ना, इसके बाद बहुत सारे केंचुए निकलते हैं, तो वो खाने के लिए ना ये लोग एकदम टूट पड़ते हैं। तो जैसे ही इसके बाद एक सिंचाई होगा, या फिर इस ये मिट्टी है ना थोड़ा सा नरम हो जाएगा, सूख जाएगा, उसके बाद है ना ये लोग एकदम टूट पड़ते हैं केंचुए खाने के लिए। तो अगर इसको सिंचाई किया जाता है, पानी डाला जाता है, ऐसा ये मिट्टी काफ़ी नरम है, वो मिट्टी ट्रैक्टर से प्रोसेस करने के बाद भी उतना नरम हुआ नहीं है, तो उसको शायद सिंचाई करेगा, और सिंचाई करने के बाद है ना वो केचुए बहुत अच्छे से दिखेगा, और उसके बाद है ना ये क्रेन जो है, बॉक्स जो है, वो एकदम खाने के लिए टूट पड़ते हैं। ये वाला जो चावल है ये अभी कटा नहीं है, क्योंकि इसको काटने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये अभी रेडी हुआ नहीं, बट 4-5 दिन में, एक हफ्ते में ना वो कट जाएगा, और कटने के बाद इस तरह से उसको रख दिया जाएगा, सूखेगा, और सूखने के बाद है ना उसको निकाला जाएगा। ये जो मिट्टी है इसमें ना सिंचाई हो गया है, और उसका पेड़ों के निशान आप देख सकते हैं। ये जो ट्रायंगल ट्रायंगल लाइन लाइन है ना, ये सारे ना क्रेन और बॉक के निशान है, तो ये लोग ने आके बहुत अच्छे से नष्ट किया रहेगा। तो गाइज मैं अभी चल रहा हूँ घर की ओर, और ब्लॉग को यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नहीं किया है तो। धन्यवाद।